करें। कब तक ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा? बस 30 तक ही टाइम है, 30 जून तक संविधान बचेगा कि मनु का संविधान लागू होगा उसकी लड़ाई होने वाली है। ये पार्लियामेंट बचेगा। सर आपने बोला कि ये लगातार दूसरी बार मीटिंग है, तो सर कहाँ कमियां हो जा रही हैं कि ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है? तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करें और तेजस्वी यादव को अगला सीएम बनाएं। न्यूज शॉर्ट में आपका स्वागत है, मैं श्रवण यादव। सदस्यता अभियान समीक्षा बैठक को लेकर डेहरी के विधायक सद औरंगाबाद जिला प्रभारी, सर मीटिंग किस लिए रखा गया था? जो औरंगाबाद जिला का सदस्यता अभियान का प्रभारी हमें पार्टी ने बनाया है। हम लोगों का लक्ष्य है एक विधानसभा में 1200 बूथ काटने का। 6 विधानसभा है, 7200 बूथ, तो उसी के क्रम में ये समीक्षा बैठक, ये दूसरा समीक्षा बैठक है। हमने पहला बैठक 2 तारीख को किया था, इसके बाद आज दूसरा बैठक है जिसमें सभी प्रखंड का प्रभारी नियुक्त किया गया। और इस समीक्षा बैठक में हमारा जो औरंगाबाद का जो जुआ का टीम है सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जुआ बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके लिए मैं युवा अध्यक्ष सहित सभी युवा कमेटी को मैं मतलब कि धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। इसी तरह जो है के लोग या उसी प्रकार अनुसरण करके जितने भी प्रकोष्ठ के लोग हैं, जिला कार्यकारिणी के लोग या प्रखंड के पदाधिकारी लोग हैं, सब लोग उसी तरह अनुसरण कर करके लोग मतलब कि काम करें और इस लक्ष्य को पूरा करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों को मजबूत। कब तक ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा? बस 30 तक ही टाइम है, 30 जून तक। जैसे कि सर आपने बोला कि ये लगातार दूसरी बार मीटिंग है, तो सर कहाँ कमियां हो जा रही हैं कि ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा सदस्यता अभियान? वो करना पड़ता है ना, करना पड़ता है, कमी कहीं नहीं है। हमारे सभी कार्यकर्ता एक्टिव हैं, सभी लोग अच्छे हैं यहाँ और सभी प्रभारी अपना अपना जिम्मेवारी निभा रहे हैं। और अगला जो है हम लोग विधानसभा स्तरीय समीक्षा बैठक रखे हैं जिसमें 19 तारीख को जो है ओबरा विधानसभा को, 18 जून गो विधानसभा, 19 जून ओबरा विधानसभा, 20 जून रफीगंज विधानसभा, 25 जून कुटुम्बा विधानसभा, 26 जून औरंगा विधानसभा में समीक्षा बैठक 11 बजे से रखा गया है, जिसमें हमारे सभी पदाधिकारी लोग आश्वासन दिए हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि लक्ष्य के नज़दीक पहुंचकर उस बैठक करेंगे। और हमें पूरा अपने प्रभारियों और अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है कि जो हमारे प्रभारी और पदाधिकारी लोग जो आश्वासन दिए हैं विधानसभा बैठक में, अपने लक्ष्य को पूरा करके ही बैठने का काम करेंगे। बिहार सहित पूरे देश में राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान चल रहा है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी ने बिहार में 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसलिए उसी अभियान को गति देने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए औरंगाबाद सहित पूरे बिहार में सदस्यता अभियान की समीक्षा और सदस्यता अभियान की अद्यतन स्थिति पे चर्चा हो रहा है। उसी के क्रम में हमारे प्रभारी संगठन के माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी जिला संगठन के साथ, सभी प्रकोष्ठों के साथ लगातार ये दूसरी बैठक, और काफ़ी आश्वस्त हैं कि हम लोग पिछले जो 19-22 में सदस्यता अभियान चला था, बिहार में औरंगाबाद अव्वल स्थान 1 नंबर प्राप्त किया था, उस स्थान को फिर हम प्राप्त करें, इसी दिशा में काम हो रहा है। इसी के आलोक में अब जो अगला बैठक होगा, अगला कदम होगा, वो विधानसभा वाइज होगा और वहीं पे जो है हमारा अत्यन स्थिति और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग काम करेंगे। और इसमें पूरा जिला संगठन, सारे कार्यकर्ता, A to Z की यह पार्टी है, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, सभी लोगों का अहम योगदान इसमें लेकर के, और हमको आने वाला 2024 में जो महायुद्ध होने वाला है कि संविधान बचेगा, बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान बचेगा कि मनु का संविधान लागू होगा, उसकी लड़ाई होने वाली है। ये पार्लियामेंट बचेगा
कि नहीं बचेगा, क्योंकि फिरका परस्त ताकतों के हाथ में भी देखा आपने पिछले दिनों किस तरह से उन्माद फैला करके देश और दुनिया में भारत का झंडा और सिर नीचा किया गया है, अपने प्रवक्ताओं से बयान दिला करके जिस तरह से भारत के ऊपर एक काला धब्बा, इसको कहा जा सकता है भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र पर जो दुनिया में विश्वगुरु कभी हुआ करता था, ये अपने प्रवक्ताओं से धार्मिक भावनाओं के, किसी के भी धार्मिक गॉड को, पैगंबर को, ईश्वर को, है ना, सबको अपनी आज़ादी है अपने हिसाब से, तो इस तरह से चीज़ों को बयान करा करके आज तक देश जिनकी पार्टी है, जो कहते हैं दुनिया की हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमको लगता है कि जैसे ही ये मामला आया था पार्टी को और देश को, अब प्रधानमंत्री को उस पे जो है खेद व्यक्त करना चाहिए था, माफ़ी ज़रूर मांगना चाहिए था कि, और उन पे कार्रवाई हुआ है, लेकिन आप चुप क्यों हैं भाई? उन्माद फैल रहा है, जहर बो दिया आपने, जगह जगह देख रहे हैं कि किस तरह से हालात बने हुए हैं, इसलिए यह देश बहुत ही दूसरे तरफ जा रहा है। देश टूटेगा कि बचेगा, लालू जी ने कहा था 2014 में, अगर नहीं संभले देशवासी तो देश टूट जाएगा। आज देश टूट रहा है, खंड खंड हो रहा है, इसलिए और भी ज़रूरत हो गया है कि हमको एक एक आदमी को जागरूक करना है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और भाईचारा का जो झंडा हमारा है, जंगा गंगा जमनी संस्कृति है, उसकी रक्षा करने के लिए सदस्यता अभियान के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करेंगे। धन्यवाद। आज समीक्षा बैठक की आयोजन किया गया था और डेहरी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय फतेह बहादुर सिंह के द्वारा, चूँकि औरंगाबाद के प्रभारी हैं हम लोग के सदस्यता अभियान के, उनके द्वारा यह मीटिंग को आयोजन किया गया था और इसमें हमें औरंगाबाद और रफीगंज दो विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है सदस्यता अभियान का। हम लोग उसको घर घर जा कर के हर एक पंचायत में प्रभारी बनाने का काम कर रहे हैं, हर एक प्रखंड में प्रभारी बनाने का काम कर रहे हैं, ताकि घर घर जा कर के सदस्यता अभियान को कराया जाए और सदस्य को बनाया जाए, अपने पार्टी को, नीति को बताया जाए। आदरणीय लालू यादव, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव के विचारों को बता करके आने वाला बिहार तेजस्वी यादव के बिहार बने, इसके लिए हम लोग सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, सभी विधायक काम कर रहे हैं और इसको सदस्यता अभियान हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि औरंगाबाद बिहार में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आदरणीय फतेह बहादुर सिंह, हमारे लोग के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान जी हैं, सब लोग मिल करके, यहाँ चार विधायक हैं राजद के, सभी पूर्व विधायक राजद के जिला अध्यक्ष हैं, सभी पदाधिकारी मिल करके प्रयास कर रहे हैं कि सदस्यता अभियान को बिहार में सबसे ज़्यादा सदस्य बना करके तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करें और तेजस्वी यादव को अगला सीएम बनाएं। कैंडिडेट को जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए
हम लोग का सभी को मिलकर ये काम करने के जरूरी है और जब हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा मेरा अपील है यहाँ के लोगों से कि जो हम लोग के दल में कुछ लोग हैं जो फेसबुक से बात करते हैं, वो मैं गाइडलाइन देता हूँ कि जो जिसको कमी है मीटिंग में कहे, जिला अध्यक्ष के पास में लेटर पैड पर लेकर शिकायत करें, अगर वहाँ सुनवाई नहीं हो रहा है तो प्रदेश में करें, मगर फेसबुक पर लिखकर अपने साथियों का कमेंट करना सख्त निर्देश देता हूँ कि ये गलत है। और जो करवा रहा है उसको भी मैं निर्देश देता हूँ कि सारा सर गलत है। ये किसी पार्टी में मैं नहीं देख रहा हूँ, न बीजेपी में न जदयू में, ये हमारा पार्टी में है जो फेसबुक से किसी अपने साथी को कॉमेंट किया जाता है।